अस्सलाम वालेकुम डर स्टूडेंट्स इन वीडियो लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल्स यानी आज की इस वीडियो लेसन में हम सोइल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्ज गोइंग डिस्कस इज परकुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉयल परकुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉयल वाट इज वाट इट मीन परकुलेशन कैन भी डिफाइनड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉयल बाई विच इट अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट कुलेशन वो प्रॉपर्टी है मिट्टी की उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं उस खसूसियत को कहते हैं जिससे वो फ्लो ऑफ वाटर यानी उसमें फ्लो ऑफ वाटर होता है यानी उसमें पानी जजब होता है गुजरता है द रेट एट विच वाटर परकुलेट्स और मूव थ्रू सॉयल मे वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉयलज और ये परकुलेशन रेट जो है इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सॉयल तो ये डिफर uh, करता है इसकी जो रेट है इसकी जो रेट ऑफ परकुलेशन है दैट इज़ डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द कम्पोजिशन ऑफ सॉयल फॉर एग्ज़ाम्पल सम्बॉर्व वाटर वैल अदर्स अलाउ इट टू फ्लो थ्रू दैम कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं मिट्टी ऐसी होती है कि जो इस पानी को जजब करती है uh, और कुछ ऐसी हैं कि जो uh, अपने थ्रू इसको फ्लो करने देती है uh, अलाउ करती है फ्लो के लिए एंड द फार्मूला फॉर द रेट ऑफ परकुलेशन इज और द रेट ऑफ परकुलेशन कैन भी कैलकुलेटेड बाई परेशन रेट इज इकॉल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन मिली लीटर्स बाई पर्कुलेशन टाइम यानी परकुलेशन रेट हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कितना पानी uh, इस इसमें मिट्टी में जजब हुआ और कितने टाइम में हुआ दैट इज़ कॉल्ड परकुलेशन रेट दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सोइल्स नाउ टॉकिंग अबाउट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड दैट इज़ मॉइस्चर एंड एयर कॉन्टेंट तो मॉइस्चर की बात करें मॉइस्चर हम नमी को कहते हैं मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द दॉयल तो मॉइस्चर नमी को कहते हैं तो मिट्टी में कौन सी किस्म की मिट्टी है उसमें कितनी नमी मौजूद है उससे हम मॉइस्चर कहते हैं इवन अ ड्राई सॉयल हैज़ सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर अगर ड्राई सॉयल भी होगी तो उसमें भी uh, कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो होता है रहता है हाउ एवर द क्ले सॉयल हैज़ द हाइस्ट कंटेंट ऑफ मॉइस्चर लेकिन जैसे आपने टाइप्स ऑफ सॉयल में पढ़ा सैंडी सॉयल क्ले सॉयल लोमी सॉयल एक्स्ट्रा तो इसमें जो क्ले सॉयल है या जिसे हम चकनी मट्टी कहते हैं तो इसमें जो मॉइस्चर का नमी का कंटेंट जो सबसे ज्यादा होता है अब एयर कंटेंट की बात करें सिंस सॉइल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज दीज पार्टिकल्स कैन बी लूजली बाउंड और टाइटली बाउंड तो जैसे आपने कंपोजिशन ऑफ सॉइल में पढ़ा या प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल में पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो है ये डिफरेंट पार्टिकल्स की भी नहीं होती है इसमें साइज़ का डिफरेंस होता है किसी सॉइल uh, में पार्टिकल uh, साइज़ जो है बड़ा होता है किसी में छोटा होता है तो uh, उसकी बेसिस पे दीज सॉयल पार्टिकल्स कैन बी लूजली बाउंड और टाइटली बाउंड तो उसमें लूज बॉन्डिंग भी हो सकती है और uh, या टाइट बॉन्डिंग भी हो सकती है तो इसकी वजह से द एयर ऑफन ऑक्यूपाइज द स्पेस इन बिटवीन दीज पार्टिकल्स अब इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहती है चाहे लूज़ पैकिंग हो चाहे टाइट पैकिंग हो तो इनमें जो uh, स्पेस रहती है तो उसको एयर ऑक्यूपाई करता है दिस अलाउज़ लाइफ टू सस्टेन इन द दॉयल सच एज़ माइक्रो ऑर्गेनिम इसी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम ज़मीन में रहते हैं उनको इसी वजह से एयर मिलती है वहाँ पर और वो सस्टेन कर पाते हैं वहाँ जिंदा रह पाते हैं उनकी जो है वहाँ पर लाइफ चलती रहती है एंड देन देर इज़ एबज़ॉर्पन तो एबजॉर्पन की बात करें एवरी सॉयल है वाटर एबजॉर्प्शन कैपेसिटी विच डिपेंड्स अपॉन हाउ पोरस द सॉयल इज अब वाटर एब्जॉर्पन कैपेसिटी की बात करें कि, कि किस मिट्टी में कितना पानी चाहिए कितने कितना पानी वो सोख सकता है या कितने पानी की जरूरत पड़ सकती है तो ये डिपेंड करता है कि वो कितनी पोरस सॉइल है मिट्टी है क्ले एंड लोमी सॉइल आर मोस्ट पोरस हिन्स कैन रिटेन वाटर इन लार्ज क्वान्टिटीज़ यहाँ पर दो काइंड्स की सॉयल है जो क्ले है या लोमी सॉयल है तो ये पोरस है हाईली तो ये इसलिए लार्ज क्वान्टिट्टी ऑफ वाटर जो है पानी की ज़्यादा क्वान्टिटी जो है उसको रिटेन कर सकती है उसको डिजर्व कर सकती है दैट इज़ वाई क्रॉप्स कैन ग्रो over these soils. ओवर दीज सॉइल्स तो इसी वजह से जितने भी क्रॉप्स हैं मेनली है, वो इन्हीं दो सॉयल्स पर या क्ले सॉइल पर या लोमी सॉइल पर ग्रो करते हैं सैनडी सॉइल ऑन द अदर हैंड डू नाट एब्जॉर्व वाटर एंड हिन्स डू नाट सपोर्ट मच वेजिटेशन और सैंडी सॉइल चूंकि उसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं और सैंड पार्टिकल जो है ये सोल्ट ज़्यादा होते हैं ये uh, इनमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती है तो ये uh, इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं तो इसलिए ऐसी जगहों पर सैडी सॉइल ज़्यादा वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करती है मूविंग नेक्स्ट इट इज़ टेक्सचर एंड कलर यानी टेक्सचर जो है ये भी सॉइल uh, की प्रॉपर्टी है डिफरेंट uh, सॉइल्स है डिफरेंट टेक्सचर्स एंड डिफरेंट कलर्स टॉकिंग अबाउट द टेक्स्चर द टेक्स्चर इज़ द साइज ऑफ़ पार्टिकल ऑफ़ द सॉयल टेक्स्चर की बात करें तो ये साइज़ ऑफ पार्टिकल कितना है और कैसा है यानी सॉफ्ट uh, है हार्ड है स्मॉल uh, है लार्ज है डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल हैिफरेंट टेक्स्र्स तो जितने भी काइंड ऑफ सॉइल आपने जैसे मैंने वहाँ प्रॉपर्टीज में पढ़ाया uh, वहाँ सॉइल्स की टाइप्स uh, में भी पढ़ाया आपको कि क्ले सॉइल जो होती है इट इज़ सॉफ़्ट इसी तरह uh, बाकी सॉइल के बारे में बताया तो इनका टेक्सचर जो होता है मुख्तलिफ़ की मट्टियों का तो वो डिफरेंट होता है वो आपने टाइप्स ऑफ सॉयल में पिछली वीडियो लेसन में मैंने आपको बताया है नाउ टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ सॉयल डिफरेंट हैव डिफरेंट कलर्स एज वेल तो इसी तरह कलर भी डिफरेंट डिफर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल्स में फॉर एग्जाम्पल सैंडी सॉयल क्ले सॉयल लोमी सॉयल एंड सिल्ट सॉयल दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मिनरल्स एंड न्यूट्रिय प्रेजेंट इन द दॉयल तो कलर की वजह कलर डिफरेंट क्यों होता है इसका एक रीज़न है इन डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल में जो मिनरल्स है और न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट uh, जो है प्रेजेंट होते हैं या उनमें जो मिनरल्स की क्वांटिटी uh, है उसके हिसाब से इसका कलर होता है फॉर इंस्टेंस अगर हम मिसाल यहां पर लें समय आर ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेम्स एंड मिनरल्स सम आर रेड इन कलर बिकॉज दे हैव आयरन इन लॉर्ज क्वानिटीज इन दैम यानी अगर आप ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल में जो हम्स होता है और मिनरल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है अगर आप किसी सॉइल की बात करें जिसका थोड़ा रेड कलर हो तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आयरन तो उसमें जो आयरन की क्वांटिटी मिनरल आयरन होता है तो उसकी क्वान्टिटी जो है वो ज़्यादा होती है तो इससे इनके कलर में फ़र्क होता है एंड देन देर इज़ पी एच वैल्यू ऑफ सॉइल तो पी एच वैल्यू क्या होता है पी एच वैल्यू जैसे आपको मालूम मालूम है कि पी एच वैल्यू किसी चीज़ का जब हम निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका नेचर कैसा है एसिडिक है बेसिक है और न्यूट्रल है तो यहाँ हम कह सकते हैं सॉयल कैन बी सॉइल कैन हैव डिफरेंट पी एच वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन देयर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल नेचर यानी अगर उसका एसिडिक नेचर है उसका एक पी एच वैल्यू होगा अगर उसका बेसिक नेचर है न्यूट्रल है बेस्ड अपॉन द पी एच वैल्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन द साइल तो इसी पी एच वैल्यू के हिसाब से जिस सॉइल का जैसा पी एच वैल्यू होगा वो वैसी वेजिटेशन को सपोर्ट करता है तो पी एच वैल्यू का भी ये जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इसमें आता है तो इसके साथ आज का टॉपिक हम कंक्लूड करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग